नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कराय स्मात् आविर्भूता महीतरे। भव्यात्मा, आप सुन रहे पद्मनंदी पंचमी शतिका छठा अध्याय उपासक संस्कार। गुरुरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम समस्तम दृश्यते येन हसरे खेव निस्तुसम। भव्यात्मा, देववंदना देवदर्शन, उसका तो आपने वर्णन सुना ही है। देवदर्शन से, भगवंतों के दर्शन के प्रसाद से क्या क्या नहीं मिलता है। मैं भगवान बाहुबली का ध्यान कर रही थी। भगवान का ध्यान करते करते चिंतन चल रहा है कि जब कृत्रिम प्रतिमा के दर्शन से इतना आनंद, इतना आह्लाद उत्पन्न होता है वीतराक्षवी के देखने से, तो जब अकृत्रिम प्रतिमाएँ, अनाद इंधन प्रतिमाएँ जो हैं, उनके दर्शन से कितना आनंद होगा, कब दर्शन होगा आदि चिंतन चल रहा था ध्यान में। और एकदम दिव्याभास, एकदम जैसे सुमेरु पर्वत, गजदंत और वक्षारगिरी वृक्षादिकों के दर्शन, उनके जिन मंदिरों के दर्शन, ऐसा एक आभास ध्यान में प्रतिभासित हुआ सन 1965 में बाहुबली भगवान का ध्यान करते करते। मन अत्यंत आह्लादित हुआ, दिव्य प्रकाश। पुनः ध्यान समापन करके 2 घंटे बाद जब मैं पर्वत से नीचे आकर देखती हूँ त्रिलोक सार ग्रंथ अवलोकन करती हूँ उसका, तो देखती हूँ उसमें मध्यलोक के 458 भगवंतों का मंदिर, मंदिर मध्यलोक में 458, 13 द्वीप में 458, उनकी वंदना उस ध्यान में हो रही थी, कल्पना आ रही थी 458। बहुत ही आनंद आया। उसी के प्रतीक, उसी के फलस्वरूप आप हसनापुर में अभी 2007 में जिसका पंचकनारण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, ऐसी 13 दिन रचना में आप देख रहे हैं 458 जिन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। भव्यात्माओं, ये भगवंतों के ध्यान, भगवंतों के दर्शन और ध्यान की उपलब्धि। एक समय हस्तनापुर में ध्यान करते करते सन 1992 में आकस्मिक ध्यान में अयोध्या के भगवान ऋषभदेव 31 फुट उत्तुंग खड़े ऋषभदेव, उनका दर्शन हो गया। उसी दिन मैंने ध्यान समाप्त करके भावना भाई कि अयोध्या जाना है, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, मैंने दर्शन नहीं किए थे। दिव्याभास ध्यान में, और जाकर महामस्तकाभिषेक संपन्न कराया। तो भव्यात्माओं, आप भी भगवान का ध्यान करें, भक्ति करें, देखें, आपको भी आनंद आएगा। तो वैसे ही ये कह रहे हैं, गुरुरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम, गुरु के प्रसाद से ही ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होता है। और समस्तम दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुसम, जिससे कि सारा विश्व हाथ की रेखा के समान दिख जाता है गुरु के प्रसाद से। भव्यात्माओं, आज तक जितने महापुरुष हुए हैं, होते हैं और होएंगे, बिना गुरु के प्रसाद से कोई नहीं हुए हैं। आप कहेंगे तीर्थंकर भगवान गुरु नहीं बनाते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों को नमस्कार करके दीक्षा लेते हैं, सिद्धों की साक्षीपूर्वक दीक्षा लेते हैं। लेकिन भव्यात्माओं, तीर्थंकर प्रकृति बंद करने के पूर्व भव में गुरु अवश्य बनाते हैं, और गुरु के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। ये नियम है, तीर्थंकर केवली केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। नियम से उन्होंने अपने गुरु बनाए हैं, उनके गुरुओं के नाम आए गुरु की महिमा। ए गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते, अंधकारो भवेत् तेषाम उदिते पि दिवाकरे। भव्यात्माओं, जो गुरु को अपने जीवन में नहीं मानते हैं और उनकी उपासना नहीं करते हैं, उनके जीवन में उदिते पि दिवाकरे, सूर्य के उदित होने पर भी अंधकारो, अंधकार ही अंधकार है। कौन सा अंधकार है? अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार, मान कषाय रूपी अंधकार। आज भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया और स्वयं अपना एक नया मत स्थापित कर दिया,
निश्चयाभास, निश्चयाभासी। तो गुरु, गुरु की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। गुरु बनाकर जो उस मार्ग पर स्वयं चलते हैं और चलाते हैं, वही मोक्ष मार्गी हैं। मोक्ष मार्ग को स्वयं देखते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं। ये पठंती न सत् छात्रम सद्गुरु प्रकटीकृतम तेन्धा सचक्षुषो पीह संभाव्यन्ते मनीषिभिः। आचार्य कहते हैं कि भव्यात्माओं, जो सद्गुरु प्रकटीकृतम सत् शास्त्रम न पठंती, जो सद्गुरुओं के द्वारा लिखित या वाचा गया, बताया गया सत्शास्त्र उसको नहीं पढ़ते हैं। सद्गुरु आचार्य श्री कुंदकुंद देव, आचार्य श्री उमा स्वामी, समंत भद्राधिक, ऐसे सद्गुरुओं के द्वारा प्रकटीकृत लिखित जो शास्त्र हैं वो सत्शास्त्र उनको नहीं पढ़ते हैं। ते अंधा सचक्षुषोपी हो, वो चक्षु सहित होते हुए भी उनके नेत्र हैं, चर्म नेत्र हैं, फिर भी अंधे के समान है, ऐसा विद्वानों ने संभावना व्यक्त की है। इसीलिए मन्ये न प्रायशः तेषां कर्णाश्च हृदयानि च यही रभ्यासे गुरोः शास्त्रम न श्रुतम न अवधारितम। भव्यात्मा, आचार्य कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रायः करके उनके कान और हृदय भी नहीं है। क्यों? जिन्होंने गुरु शास्त्रम न श्रुतम न अवधारतम, जिन्होंने गुरु के द्वारा शास्त्र को नहीं सुना है और उसका अभ्यास नहीं किया है और उसे अवधारित नहीं किया है, तो गुरु के द्वारा कहे गए शास्त्रों को जिन्होंने नहीं सुना, गुरु के मुख से शास्त्र को जिन्होंने नहीं सुना, उनके कर्ण निष्फल, कान पाना व्यर्थ। और जिन्होंने गुरु से सुन करके उसे अवधारित नहीं किया, हृदय में स्थापित नहीं किया, उनका हृदय शून्य है, हृदय ही नहीं है। तो आचार्यों का ऐसा कहना क्यों है? भव्यात्माओं, अनादि संसार में सच पूछा जाए तो जितना भी ज्ञान गुरु के मुख से प्राप्त होता है वो ज्ञान सही मायने में सही प्राप्त होता है, अन्यथा क्या होता है? शास्त्र शस्त्र बन जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। न देवाहा, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है, आचार्य श्री वीरसार महाराज कहा करते थे कि इसका अर्थ क्या करेंगे कोई भी व्याकरण आचार्य, कहेंगे देव नहीं होते हैं। लेकिन जो गुरुमुख से पढ़ते हैं, सूत्रों का संदर्भ जोड़कर पढ़ते हैं, नारक समूचन नपुंसकानि, नारक और समूचन जीव, नारकीय समूचन जीव नपुंसक होते हैं, न देवाहा, देव नपुंसक नहीं होते हैं। देवों में स्त्री वेद पुरुष वेद है, नपुंसक वेद नहीं है। तो इस प्रकार से गुरुमुख से शास्त्र सुनने और पढ़ने से सही अर्थ का बोध होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। इसलिए भव्यात्माओं, तो आज भी हमारे और आपके पुण्य से भारत वसुंधरा पर आगम के अनुसार, आर्ष परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार शास्त्रों का अर्थ करके आपको सुनाने वाले लगभग 1000 से अधिक साधु हैं और विद्वान हैं। आप उनके मुख से अध्ययन करें, सुने, पढ़ें और पूरा पर संबंध को समझ लगाते हुए, पूरा पर संबंध को जोड़ते हुए अर्थ करके ग्रंथों का अर्थ समझें, तो सही मोक्ष मार्ग को समझ सकेंगे। उसमें भी दुराग्रह का त्याग होना चाहिए। मान लीजिए, आचार्य ने बताया है कि कदाचित क्वचित आपने किसी अर्थ को किसी के मुख से सुनकर गलत अवधारित कर लिया, पुनः आपको किसी गुरु ने आगम की पंक्ति दिखा दी, सुत्तादोतम सम्मम दर्शित जंतम जदानुसद्धेति, सूत्र की पंक्ति, आगम की पंक्ति दिखा दी, देखो इसमें ऐसा नहीं ऐसा लिखा हुआ है, और उसको देख करके भी अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा, तो भी सम्यक तो छूट जाएगा, सम्यक तो नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्र की पंक्ति वर्तमान में शास्त्र का आधार को लेकर, शास्त्र के आधार को लेकर ही साधु विषय का प्रतिपादन करते हैं। तो ठीक,
कोई कोई शास्त्र के ज्ञान से परांगमुख, शास्त्र के ज्ञान में परिपक्व नहीं है, केवल लोकानुजनन करने वाले ऐसे कदाचित क्वचित तो कुछ भी कह देते हैं। इसीलिए क्या होता है, सर्वोदय शासन, भगवान महावीर का शासन सर्वोदय शासन वर्गोदय रूप में बट गया। तो भव्यात्माओं, आगम को आधार बनाकर गुरु के मुख से अर्थ को समझकर और आप उसे ग्रहण करेंगे तो मोक्ष मार्ग को सही रूप में समझ लेंगे। देशव्रतानुसारेण संयमोपी ये निषेवते गृहस्थैर येन तेन इव जायते फलवद व्रतम्। देश व्रत के अनुसार एक देश संयम भी धारण करना चाहिए जिससे कि गृहस्थाश्रम सफल हो। गृहस्थों का कर्तव्य है जिससे कि फलवद व्रतम व्रत सभी फलीभूत हो, में फल को देने वाले हों। में संयम के बिना असंयमी प्राणी निरर्गल अनर्गल प्रवृत्ति करता है। इसीलिए आचार्यों का कहना है जीवन में संयम अनुशासन नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों को पंच इंद्रियों को अपने अनुकूल अपने आश्रित अपने वश में रख करके, मन को अपने अनुकूल अपने वश में रखकर जो प्रवृत्ति करते हैं वो सही मायने में अपने मानव जीवन को सार्थक कर देते हैं। त्याज्यम मांसम च मद्यम च मधु उदुम्बर पंचकम अष्टौ मूल गुणा प्रोक्ता ग्रहिणो दृष्टिपूर्वका। चूँकि जैन आगम में सर्वप्रथम मद्य मांस और मधु का त्याग, पंचदुम्बर फलों का त्याग, ये सबसे पहले इसे ही आठ मूल गुण कहा है। साधुओं के, हमारे मुनियों के, आरिकाओं के कितने मूल गुण होते हैं? 28, और श्रावकों के 8, हमेशा ध्यान में रखना। तो मध्य मास मधु का त्याग प्रारंभिक अवस्था में ये मूल गुण अति आवश्यक है, इनके बिना गृहस्थाश्रम सफल नहीं हो सकता है। तो भव्यात्मा, विचार करके देखा जाए तो आज भी ये होता है कि कुछ भव्यात्मा ऐसा भी समझते हैं कि अरे ये सब क्या है, ये त्याग 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 कुछ नहीं, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ऐसा चिंतन करो समय सार पढ़ो। भव्यात्माओं, ये निश्चित है कि जब अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुर्ता इतना नमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवंति पात्राणी शुद्ध दिया, जो इन 8 अनिष्ट पाप के आयतन इनका त्याग कर देता है। मध्य मास मधु का, मध्य शराब मधु सहित जिसके एक बिंदु जो मधुमक्खियों का उगाल है, वमन है, एक बिंदु मधु के भक्षण से 7 गांव जलाने का पाप का लगता है। तो ऐसे और मांस अंडे आदि की बनी हुई वस्तुएं आदि ये चीज़ें कभी भी छूने योग्य नहीं है। भव्यात्मा, इनका त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो विचार करके देखा जाए प्रारंभिक जीवन जब ये त्याग रूप इतना बन जाता है तभी वो भगवान की देशना को सुनने का पात्र होता है। पुरवा भीड़ जा रहा था, एकदम धनुष पर बाण चढ़ाया और सामने देखता है एक मुनि आ रहे हैं। वो समझता है, मुनि नहीं जान सका, वो समझता है कोई हिरण आ रहा है, नंद दिगंबर साधु। उसकी पत्नी ने एकदम रोका, अरे ये वन देवता है, ये वन देवता है, इन्हें मत मारो मत मारो। वो सामने जाकर उन्हें नमस्कार करता है। गुरु ने प्रारंभ में ही उसे आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ उसको। भगवान धर्म क्या है वो क्या समझे, आदिवासी भिल्ल नहीं समझ सका धर्म क्या है। तो गुरु ने कहा, हे भव्यात्मन, मध्य मांस मधु का त्याग धर्म है। उसे समझाया, संबोधित किया, उसने त्याग कर दिया। वो पुरवा भीड़ उस त्याग के प्रसाद से स्वर्ग में देव होता है, कालांतर में भरत चक्रवर्ती का पुत्र होता है, आगे चल करके वही भगवान महावीर हुए हैं। तो भव्यात्माओं, प्रारंभिक जीवन यहीं से प्रारंभ होता है, मध्यमास मधु का त्याग। तो विचार करके देखा जाए तो एक अहिंसा सर्वोपरि, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म सर्वोपरि है। इसलिए मध्यमास मधु आदि का त्याग करके, दुर्व्यसनों से बच करके, अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाते हुए
भगवंतों की भक्ति, गुरु की भक्ति और शास्त्रों का स्वाध्याय, यही इस मनुष्य जीवन का सार है, यही प्रेरणा और मंगल